गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे स्टेल्थ मार्केटिंग के बारे में, जिसको शेल मार्केटिंग भी बोला जाता है, बज मार्केटिंग भी बोला जाता है। ये एक मार्केटिंग की ऐसी फॉर्म है जिसमें आपको प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट कर दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। वो चीज आपके सामने आ चुकी होती है, उसकी ब्रांडिंग हो जाती है आपके सामने, वो ब्रांड आपके सामने एक बार फ्लैश आउट हो जाता है, पॉपअप हो जाता है, पर आपको ये नहीं समझ आता या फिर आपको ये नहीं पता चल पाता कि वो उस ब्रांड का उस पर्सन से क्या फाइनेंशियल कनेक्शन है, वो जो उनका फाइनेंशियल रिलेशन है या जो बॉन्ड है वो आप लोगों को नहीं पता चलता, और इनडायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपके सामने मार्केट किया जाता है। जैसे 2002 में सोनी एरिक्सन का एक नया फोन आया था, स्मार्टफोन कैमरा फोन T6 T68i। उन्होंने उसमें क्या किया था कि अब उनको पता था ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लोगों को ताकि समझ भी आए, कंज्यूमर उसको यूज भी कर सके और उनको समझ भी आ जाए और उनके सामने वो चीज प्लेस भी हो जाए, तो उन्होंने अंडरकवर मार्केटिंग का यूज किया। उन्होंने उस कैंपेन के अंदर 60 एक्टर्स को लिया और उनको अलग अलग जगह पे टूरिस्ट पर्सन बना के खड़ा किया, और जब भी कोई कस्टमर आता था या सॉरी जब भी कोई पास आउट होता था वहां से, वो लोग उनसे बोलते थे कि सर हमारी एक इमेज क्लिक कर दीजिए, और जब वो उस गैजेट को उनके हाथ में देते थे उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो वो उसी टाइम उनको लोग समझा देते थे कि ये ऐसे क्लिक होगी, तो लोगों को एक एक्साइटमेंट होता था। जो ये स्टेल्थ मार्केटिंग है या अंडरकवर मार्केटिंग है, इनमें इनको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, इनका जो मोटिव होता है वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट बेचना नहीं होता, एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए उनके अंदर इस प्रोडक्ट को देख के, हाँ जब उसे यूज करें तो उन्हें अच्छा लगे। तो ये एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है जो आपके माइंड में एक बार उस ब्रांड को पुटअप किया जाता है। तो इस तरीके से सोनी एरिक्सन ने उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में उस फोन ने रिकॉर्ड बना दिया था कि वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिवाइस था जो कि सबसे ज्यादा बेचा गया था उस टाइम पे उस मार्केटिंग प्रोसीजर के थ्रू। तो ऐसे ही आप इसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो या अगर आपने नोटिस ना किया हो तो अब आप जरूर नोटिस करना, जब आप कोई गेम प्ले करते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स हम PS4 वगैरह पे खेलते हैं, अगर आप देखेंगे बहुत सारी गेम्स में एक वेंडिंग मशीन होती है जिसके ऊपर कोई ब्रांड का लोगो होता है, ब्रांड का नाम होता है, वो स्टेल्थ मार्केटिंग का ही पार्ट है। उन्होंने आपको डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन एक उस ऐसी जगह पे उसको पोजीशन किया कि वो आपके दिमाग में आ गया। अगर आप न्यूज़ चैनल पे देखते हैं तो जो उनके लैपटॉप्स हैं, जो जर्नलिस्ट है, जो एंकर है, जो उनके लैपटॉप्स हैं, उन पे ब्रांड के स्टिकर होते हैं, ये भी एक स्टेल्थ मार्केटिंग का ही पार्ट है। स्टार्स जो कि सनग्लासेस पहनते हैं, जो ब्रांड के सनग्लासेस पहनते किसी मूवी में, वो भी स्टेल्थ मार्केटिंग का ही पार्ट है। कोई स्टार, कोई एथलीट अगर पब्लिक प्लेसेस में किसी ब्रांड के स्पोर्ट्स वेयर पहन के चलता है तो वो भी एक स्टेल्थ मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो स्टेल्थ मार्केटिंग को आप काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ फॉर्म्स इसके इलीगल होते हैं जो कि उन्हें लगता है कि कस्टमर को हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर से डिसीव कर रहे हैं, उनको चीट कर रहे हैं, आप उन फॉर्म्स को ना यूज करें, लेकिन आप इसको हेल्दी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी सर्विस अच्छी है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा पब्लिक गैदरिंग्स में, मीटिंग में, अगर कोई एक पर्सन किसी एक ब्रांड के बारे में बार बार बोल रहा है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो वो स्टेल्थ मार्केटिंग का ही एक पार्ट है कि वो उसको इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है जिससे कि वर्ड ऑफ माउथ हो, और ये एक सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्टाइल है। वर्ड ऑफ माउथ तो बेस्ट वे में आपका बहुत ज्यादा फास्टेस्ट वे होता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मार्केट में पहुंचाने की। जब बहुत सारे लोग एक चीज के बारे में बोलते हैं तो बाकी लोगों को लगता है ये सही बोल रहे होंगे, एक बार चेक करने के लिए कोशिश करते हैं, और अगर उस ट्रायल के टाइम आपका प्रोडक्ट वर्थ इट है तो वो मार्केट हो जाता है। तो उसी तरीके से आप इसको काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टेल्थ मार्केटिंग हर तरीके से यूज किया जा सकता है, हर बिजनेस में यूज किया जा सकता है। आप इस स्टेल्थ मार्केटिंग के दो पार्ट्स को समझिए, एक अंडरकवर मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट पोजीशन। अब हम जैसे जैसे प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं एक सही जगह पे, जैसे अब कोई एक जैसे कि कोई मूवी है जिसमें एक बहुत अच्छा, बहुत इंटेंस, बहुत एक सस्पेंस सीन चल रहा है जिसमें कि कोई एक एजेंट है जो दूसरी कंट्री में है या फिर किसी फॉर्म में वहां पे जाता है, जिसको उसका लैपटॉप लेना है, तो अब वो जैसे वो लैपटॉप का कवर उठाता है, लैपटॉप जैसे ही वो बैग में डालता है, उस लैपटॉप पे लोगो होता है XYZ कंपनी का, या फिर वो लैपटॉप XYZ कंपनी का है, तो उससे ये हो गया कि हाँ ये जो हैवी वर्क है, ये जो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, ये एक लैपटॉप उस चीज के लिए कंपैटिबल है,
तो ऐसे करके उस ब्रांड की इमेज आपके माइंड में आ गई है कि हाँ अगर इतना हैवी वर्क है या फिर इतना अगर सरप्राइजिंग वर्क है या सीक्रेट कोई वर्क है, कॉन्फिडेंशियल वर्क अगर इस टाइप का कोई है तो उसके लिए ये लैपटॉप ठीक है, क्योंकि वो उस मूवी में आया था, आप ऐसे रिलेट कर जाते हैं। तो ऐसे ही करके स्टेल्थ मार्केटिंग को अगर आप सही से यूज करें तो काफी अच्छी फॉर्म है मार्केटिंग की। आपको इसमें कस्टमर को डिसीव नहीं करना है, कोई चीट नहीं करना है, आपको अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना है, उसके बाद उसको प्लेस करना है कि जब कस्टमर उसको यूज करे तो वो फिर पॉजिटिव वे में आगे जाए। अगर आपने प्रोडक्ट पे काम ना करके या सर्विसेज पे काम ना करके सीधा मार्केटिंग पे ही काम करना अगर स्टार्ट कर दिया, एक बार तो उसको यूज कर लेंगे लेकिन उसके बाद क्या, तो आपकी रेफरल चेन ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए आपको पहले अपने प्रोडक्ट पे काम करना है, फिर अपने मार्केटिंग प्लान में इसको इंक्लूड करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्लान होता है जिसमें आप अपनी सर्विसेज को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं या फिर किसी के थ्रू करवाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। और जब लोग या कस्टमर या फिर वो जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो आपके प्रोडक्ट को यूज करती है तो उनको वर्थ इट फील होना चाहिए। अगर वो वर्थ इट फील हो जाता है तो ये आपका प्लान एकदम सक्सेसफुल है। अगर उनको वर्थ इट फील नहीं होता है तो आपको दो स्टेप बैक आना है और अपने प्रोडक्ट पे काम करना है। Your job is to go out there and have fun with it and say, yeah, sure, come on, you want to try it? Great, try. And all of a sudden, you just involve them with the brand. And then feed them a few sound bites along the way. Hey, you're in there. It's like, look at this. It's like you're in the game. That's a good sound bite. Inside a nearby Starbucks, Theo and Kumani could be any of a million 20-somethings hanging out, obsessed with their new toy. Not pitching anything, just waiting for someone to approach them. And so were we with an undercover camera. It works well? It works really well. Try it on for a couple of minutes, in like a minute, you'll see this thing just moves fluidly. Bingo, Mr. Curious plays right into Theo's hands. Oh, that's so cool. Yeah. You want, y'all, I can email you the information about it. The fish just keep taking the bait. This is so cool. You know, I have some information that I can email you. Let's do it. Okay. Give me about this? Yeah. Oh yeah, this is great. Above all, they never let on they're on the job. It's like you're actually moving inside the game. It's like you're moving inside the game. No one is overtly trying to sell you anything, only trying to get you to want it. And then of course, buy it. And tell your friends about it. It's only gonna get lighter, you know what I'm saying? Not soft sell or hard sell. Secret sir. Go ahead, get this guy in the business suit. Would you mind taking a picture with my boyfriend? When Sony Ericsson wanted to promote its hot new gadget, a cell phone that takes pictures, beyond conventional advertising, they launched an undercover campaign called Fake Tourist. Excuse me, ladies. Sorry to bother you. 60 actors took to the streets of 10 cities, irresistibly innocent looking, seeking a small favor. Excuse me, you mind taking a picture of us? Thanks a lot, man. It's cool, right? The undercover operation was the... तो ये एक स्टेल्थ, इसे कहते हैं स्टेल्थ मार्केटिंग या शेल मार्केटिंग। इसमें आपको नहीं पता चलता, आपको इनडायरेक्टली एक प्रोडक्ट दिखा दिया जाता है, एक सर्विस आपके सामने मार्केट कर दी जाती है। तो इस तरीके से आपके माइंड में या फिर कस्टमर के माइंड में वो ब्रांड बिल्ड किया जाता है। तो गाइज, आप भी अपने स्टेल्थ मार्केटिंग के प्लान या फिर अगर आपने इस टाइप की कोई स्ट्रेटेजी अगर अपने प्लान में इंक्लूड करी तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। मैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी आपके साथ और शेयर करता हूँ, अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे। मैं इन बिटवीन भी कुछ एग्जांपल्स आपने देखे ही होंगे तो आपको उनसे और भी ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से जरूर पूछे, हम अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपको और डिटेल में समझा पाए। मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी चीज़ें कवर करी एग्जांपल के साथ, फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।